हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के दिन मैं यहाँ पे नहीं था, घर पे था, तो अपने जो मैंने ग्रुप बनाया उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, तो उनको मैंने सेलिब्रेट किया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको नहीं किया था, तो उनके लिए फिर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन हम डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने केवल एक टॉपिक कवर किया था, उसके अंदर क्या कवर किया था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। तो ये टॉपिक मैंने कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बीएससी का सिलेबस बहुत लंबा है। आप लोगों को लगेगा ही डायरेक्ट आते ही मैं पढ़ाने लगता हूँ, तो आप लोग बोरिंग नहीं फील होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ही सिलेबस है, तो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और मैं ऑब्वियसली मैं हर एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको फिर से लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था इन साइकॉन। साइकॉन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही स्पर्म होता है, ना ही ओवम, ये सब किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मतलब जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनके थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो साइकॉन में बाई बर्डिंग के थ्रू हो रहा था और रीजनरेशन के थ्रू हो रहा था। तो ये दो मेथड थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि साइकॉन में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो रहा था साइकॉन में, बाय बर्डिंग, बाय रीजनरेशन। तो ये दो टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आज मेरा ये लेक्चर थोड़ी लंबा जाएगा। इस लेक्चर में हम तीन चीज कवर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन। तो ये तीन टॉपिक मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। ये तीनों खबर खत्म हो जाएगा इस लेक्चर में, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ पूरा साइकॉन, साइकॉन का पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसे लाइफ हिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री कहते हैं। तो ये चीजें हम कवर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। आई होप कि आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। जिन बच्चों ने कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे हमें भी रिस्पांस मिलता रहे कि आप लोग कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से, मेगा रिसर्च अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, उनको अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो रहा था, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। इंटर में आपने पढ़ाई होगा सिंपल सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल दोनों चीजें पढ़ी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने इंटर में पढ़ के नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होगी ही कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट के आगे फिर डेवलपमेंट होता है, तो फिर एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये सारी चीजें होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेपरेट होते हैं। ये जरूरी नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग हों, सेपरेट हों, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि कोई भी प्लांट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन चीज है। तो चलिए यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा साइकॉन में, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकॉन में तो होगा, लेकिन जो साइकॉन होता है हमारा हर्मफ्रोडाइट होता है, मोनोसियस होता है। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो हर्माप्रोडाइट एंड मोनोसियस होता है, इसका मतलब होता क्या है। मोनोसियस का मतलब मोनो मीन्स एक होता है, सियस, ठीक है, मोनोसियस। अब देखिए मोनो मीन्स एक, जिसमें जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी में प्रेजेंट हो। ठीक है,
एक ही एनिमल बॉडी में, क्योंकि जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो एनिमल की बात करेंगे, ठीक है, प्लांट का नहीं। प्लांट का भी एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, बस लेकिन आपको यहाँ पे एनिमल के थ्रू समझना होगा, ठीक है। जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, मेल एंड फीमेल जो होते हैं एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, एक ही पेरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट और मोनोसिस कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन मीनिंग की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है और मोनोसिस का मतलब क्या होता है, आई होप कि आपको पता हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में, मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट में ना हो। जैसे ह्यूमन के केस में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं, ठीक है, तो ये डायोसियस के अंतर्गत आते हैं, मोनोसियस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो जो साइकॉन होता है वो मोनोसियस होते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं, जो मैंने बताया है अभी वही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया है, बाकी और कुछ है नहीं इस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एक एक स्टेटमेंट कवर करते हैं, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ साइकॉन, ठीक है। जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं साइकॉन के बॉडी के अंदर फॉर्म करते हैं, ठीक है, साइकॉन के बॉडी के अंदर, एक ही साइकॉन के बॉडी के अंदर, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। देखिए वही चीज मैं अभी आपको समझा रहा था, मोनोसिस क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ठीक है। जब देखिए आपका मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों साइकॉन के बॉडी के अंदर ही बन रहा है, ठीक है, एक ही साइकॉन के अंदर, ना कि दूसरे साइकॉन का। अब एक ये साइकॉन है आपका, ये पूरा आपका साइकॉन है, ठीक है, ये ठीक है ऑस्कुलम, ये सब स्टेटम से अटैच है आपका साइकॉन, ठीक है, ये साइकॉन है, ठीक है। अब इसी के अंदर मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब दोनों ही गैमेट का इसी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मोनोसियस हर्माफ्रोडाइट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ना कि अलग अलग। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे एक साइकॉन मेल का ये होता, ठीक है, मेल का साइकॉन ये होता मेल वाला, और फीमेल वाला कुछ ऐसे होता, ठीक है, फीमेल वाला, तो फीमेल और मेल जब अलग अलग हो जाते हैं तब ये डायोसियस के अंतर्गत आता, मोनोसियस के अंतर्गत नहीं आता। मतलब यहाँ ये मेल होता, ये फीमेल होता, ठीक है, ये मेल होता और ये फीमेल होता, जब दो अलग अलग डिफरेंट साइकॉन, एक मेल साइकॉन होता और एक फीमेल साइकॉन होता, ठीक है, दोनों अलग अलग होते, एक ही बॉडी में ना होते, यहाँ ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता और ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता, दोनों अलग अलग बॉडी में फॉर्मेशन करते तब ये डायसियस के अंतर्गत आता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है कि साइकॉन के एक ही बॉडी में मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब दोनों ही गैमेट का फॉर्मेशन साइकॉन के एक ही बॉडी में हो रहा है, तो वो साइकॉन जो होता है हमारा वो मोनोसियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमारा साइकॉन जो होता है, साइकॉन मोनोसियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। तो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ साइकॉन, दैट इज हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस, दैट इज हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का साइकॉन के एक ही साइकॉन बॉडी में ही, एक ही साइकॉन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इसे ये जो है साइकॉन जो है हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस के अंतर्गत आता है, ठीक है। बट स्पेशल सेक्स ऑर्गन आर लैकिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बट स्पेशल सेक्स ऑर्गन आर लैकिंग, यहाँ पे कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है, जैसे एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, इसमें पार्टिकुलर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी पार्टिकुलर सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन लैकिंग है, मतलब सेक्स ऑर्गन की कमी है, यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, लेकिन कोई पार्टिकुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है कि यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एक ही प्लांट बॉडी में, तो
ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन की कमी है, ठीक है। तो साइकॉन जो होता है हार्माफ्रोडाइट होता है, मोनोसियस होता है, और इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, सेक्स ऑर्गन की लैकिंग होती है, ठीक है, स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, मेल सेक्स सेल्स आर स्पर्म। जो मेल सेक्स है, मेल सेक्स सेल है जिसे स्पर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म करना। तो यहाँ पे कोई सेक्स सेल तो है नहीं, तो मेल सेक्स मतलब कि कोई सेक्स ऑर्गन तो है नहीं पार्टिकुलर, तो मेल स्पर्म का ही फॉर्मेशन होगा ना। जब दो अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेशन होगा तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना। तो मेल सेक्स सेल्स आर स्पर्म एंड फीमेल सेक्स सेल आर ओवा, ठीक है। यहाँ पे मेल सेक्स सेल कौन सा पाया जाएगा, स्पर्म, और फीमेल सेक्स सेल ओवा, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जा रहे हैं जैसे ह्यूमन और एनिमल के केस में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतना क्लियर। द डेवलप फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड आर्कियोसाइट फाउंड इन मेसेनकाइम, ठीक है। ये जो मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवा है, ठीक है, ये दोनों जो है ये कहाँ डेवलप करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल में जिसे हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं। और ये आर्कियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, मेसेनकाइम में, ठीक है। तो ये जो हमारे सेल्स है, ये सेक्स सेल्स है स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, तो ये डेवलप करते हैं मेसेनकाइम के अंतर्गत स्पेशलाइज्ड सेल जिसे आर्कियोसाइट्स कहते हैं, और ये आर्कियोसाइट्स पाया जाता है मेसेनकाइम में, ठीक है। तो आर्कियोसाइट्स, जिन बच्चों को नहीं क्लियर है कि आर्कियोसाइट्स किसे कहते हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कवर किया है, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाइए और आर्कियोसाइट्स देख लीजिएगा, ठीक है। आर्कियोसाइट, अमीबोसाइट, कोलेनोसाइट, ठीक है। तो ये सारे सेल्स जितने भी है मैंने कवर किया है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस भी आपका लंबा है तो उसे भी कवर करना है। तो आर्कियोसाइट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, तो आप लोग वहां पे जाके देख लीजिए आर्कियोसाइट्स क्या होता है, ठीक है। सिंपल फॉर्म में है आर्कियोसाइट्स में, मैं आपको बता दूं, आर्कियोसाइट्स इज डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ अमीबोसाइट्स, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव फॉर्म है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये समझ में आए कि जो सेक्स सेल है स्पर्म एंड ओवा, ये डेवलप करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल के अंतर्गत जिसे हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है, मेसेनकाइम में, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। इंट्रोडक्शन में क्या था कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन किसमें पाए जाते हैं, फाउंड इन साइड द साइकॉन, साइकॉन के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। दैट इज हर्माफ्रोडाइट, जिसके कारण इसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जो साइकॉन होता है हमारा, मोनोसियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। अब हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, मोनोसियस का भी मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे स्पर्म कहते हैं, फीमेल सेक्स सेल जो होता है ओवा कहते हैं, ठीक है। ओवा और स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होता है इस बॉडी के अंदर, तब फ्यूज करते हैं आपस में। और यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म एंड ओवा का तो फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो स्पर्म एंड ओवा का जब फॉर्मेशन होगा तो ये आपस में फ्यूज करेंगे ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जायगोट का फॉर्मेशन होगा तब आगे जाके डेवलप करेगा, तब एक न्यू प्लांट का, न्यू एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकॉन में किस तरीके का पाया जाता है और कैसे होता है। तो हमारा साइकॉन जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस होता है, इसमें कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल सेक्स सेल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल सेक्स सेल ओवा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है साइकॉन में कितने तरीके से, मतलब कि इसमें पहले, अरे सिंपल सा है, जब साइकॉन के अंतर्गत दो चीज आप पढ़ेंगे, सिंपल सा बात है यार, क्या कंफ्यूजन है इसमें। देखिए
जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत, मतलब शुक्राणु जनन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ओवा का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ओवा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है साइकोन के बॉडी में? तो ओजेनेसिस के थ्रू, अंडाणु जनन के थ्रू। मतलब हिंदी भी बता देना, कुछ बच्चों को हिंदी बहुत जरूरी होता है, मतलब कि उनको क्लियर नहीं होता है टॉपिक, तो इसलिए हिंदी भी बोल दे रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया, और ओजेनेसिस जब दोनों को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि ना साइकोन के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ओवम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा। तो ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, तब आके हम इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तब जाके न्यू साइकोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब देखिए सिंपल सा एक लाइन में डिफिनेशन, ठीक है, लेकिन पूरा डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, बीएससी कर रहे हो भाई, 12th नहीं है ना ही 10th है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जब स्पर्म मदर सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म मदर सेल से, जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, स्पर्म मदर सेल को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। जब स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, एक मेच्योर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब समझ में आ गया, एक लाइन का डिफिनेशन है, जब स्पर्मेटोगोनियम मतलब स्पर्म मदर सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन का डिफिनेशन है, लेकिन एक लाइन का डिफिनेशन लिखने से आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि किस कैसे, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें कुछ स्टेजेस भी होंगे। ठीक है, तब तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ऐसे थोड़ी स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा साइकोन के अंतर्गत। चलिए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस एक एक लाइन आप क्लियर करते हुए चलिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, द स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम एन इलोंगेटेड अमीबोसाइट विच इज नोन एज स्पर्म मदर सेल, विच इज नोन एज स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब देखिए जो स्पर्म होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये प्रोड्यूस फ्रॉम मतलब कि उत्पन्न होता है कहाँ से, फ्रॉम एन इलोंगेटेड अमीबोसाइट। इलोंगेटेड मतलब लंबे बड़े अमीबोसाइट के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस होता है, विच इज जो जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, मतलब जिस अमीबोसाइट से सेल से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उसे हम स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, एक लाइन क्लियर हुआ आपको, कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं स्पर्मेटोगोनियम। एंड इज फाउंड इन द मीजेनकाइम इमीडिएटली बिलो द कोइनोसाइट, इमीडिएटली बिलो द कोइनोसाइट एंड इज फाउंड इन द मीजेनकाइम। ये मीजेनकाइम में पाए, इमीडिएटली बिलो द कोइनोसाइट। ठीक है, ये कोइनोसाइट के ठीक नीचे, इसका प्रोनाउंसिए मतलब कि इसकी हिंदी बता देते हैं इस सेंटेंस की, जिससे कंफ्यूजन ना होगे होगी आप लोगों को। एंड इज फाउंड इन द मीजेनकाइम इमीडिएटली बिलो द कोइनोसाइट, कोइनोसाइट के ठीक नीचे। इमीडिएटली का मतलब तुरंत या ठीक, ठीक है, इमीडिएटली का मतलब ठीक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कोइनोसाइट्स के ठीक नीचे मीजेनकाइम में ये पाए जाते हैं, जो हमारा स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनियम है, ये कहाँ पाया जाता है, कोइनोसाइट्स के ठीक नीचे मीजेनकाइम में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन होगा, स्टेटमेंट होगा, वो अपोजिट से लिया जाएगा। ठीक है, तो जो कोइनोसाइट के ठीक नीचे मीजेनकाइम पाया जाता है, वहां पे ये हमारे स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनियम पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि मीजेनकाइम क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर की हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मीजेनकाइम क्या होता है। पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये आपका साइकॉन है। ठीक है, ये आपका साइकॉन है, ये साइकॉन है। अब साइकॉन में आउटर लेयर जो थी, जिसे हम पिनाइकोडर्म कह रहे थे, पिनाइकोडर्म
पिनाकोडर्म कह रहे थे, ठीक है, और अंदर एक लेयर पाई जा रही थी जिसे हम कोएनोडर्म कह रहे थे, कोएनोडर्म, ठीक है, हम कोएनोडर्म कह रहे थे अंदर वाली लेयर को, कोएनोडर्म अंदर वाली लेयर को और आउटर लेयर को पिनाकोडर्म कह रहे थे। तो इन दोनों के बीच में एक मैट्रिक्स भरा होता था, ठीक है, मैट्रिक्स भरा रहता था, जो कि वो मैट्रिक्स एक लेयर का फॉर्मेशन करता था जिसे हम मीजेनकाइम कहते थे, जिसे मीजेनकाइम कहते थे, ठीक है, मीजेनकाइम। तो ये याद आया आपको, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर कवर किया होगा तो उन्हें पता होगा कि मीजेनकाइम किसे कहते हैं, पिनाकोडर्म एंड कोएनोडर्म के बीच में मैट्रिक्स का लेयर फॉर्म करता है, ठीक है, जिसे हम मीजेनकाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीजेनकाइम। अब चलिए आगे देखते हैं, मतलब कि ये जो हमारा स्पर्म मदर सेल है, स्पर्मेटोगोनियम, कहाँ पाया जाता है, कोइनोसाइट्स के ठीक नीचे मीजेनकाइम में पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कोइनोसाइट्स क्या होता है, अरे भाई कोइनोसाइट्स से रिलेटेड होता था जो कि मीजेनकाइम के ऊपर पाया जाता था, क्या करता था, न्यूट्रिय मतलब फूड को एब्जॉर्ब करता था, खींच लेता था अपनी तरफ, ठीक है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था पूरी बॉडी को, और जो वाटर है वाटर को मूव आउट करता था बॉडी से, साइकोन के बॉडी से थ्रू द ऑस्कुलम, ठीक है, इसका ये फंक्शन था कोइनोसाइट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। तो जो हमारा स्पर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनियम है, वो कहाँ पाया जाता था, कोइनोसाइट्स के ठीक नीचे मीजेनकाइम में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड इंटू टू और थ्री टाइम्स, दो या तीन बार डिवाइड करता है और क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स मतलब शुक्राणु नाशक, ठीक है, हिंदी बता दे रहे हैं, कुछ लोगों को हिंदी भी बहुत जरूरी होता है। तो स्पर्मेटोसाइट्स का मतलब होता है शुक्राणु नाशक, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, विच गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, ये विच गिव राइज मतलब जो उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मतलब मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जब हमारा स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म मदर सेल डिवाइड करता है दो से तीन बार और क्या फॉर्म करता है, स्पर्मेटोसाइट। तो ये स्पर्मेटोसाइट विच गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ को जन्म देते हैं, मतलब मेच्योर स्पर्म सेल्स को जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, द मेच्योर स्पर्म कंसिस्ट ऑफ ए राउंडेड हेड विथ न्यूक्लियस एंड ए लॉन्ग वाइब्रेटाइल टेल, ठीक, वाइब्रेटाइल टेल, ठीक है। तो ये आपका जो मेच्योर स्पर्म है ये राउंडेड होता है, राउंडेड हेड होता है, और इसका हेड हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस एंड लॉन्ग वाइब्रेटाइल टेल, लॉन्ग वाइब्रेटाइल टेल होता है, ठीक है। जो ये स्पर्म होता है इसके बॉडी में ये जो होता है जुड़ा होता है हेड से और वाइब्रेटाइल टेल से, और हेड में इसके न्यूक्लियस पाया जाता है, विथ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ राउंडेड हेड होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ। अब यहाँ पे विब्रेटाइल टेल क्या होता है, मतलब ये जो टेल है ये मूवेबल होता है, मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे विब्रेटाइल टेल का मतलब कोई नया लॉजिक नहीं लगाना है, ये जो टेल होता है ये मूवेबल होता है, मूव करने में हेल्प करता है स्पर्म को, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ में आया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा लगाइए, केवल जितना भी स्टेटमेंट लिखा है ना सबको पॉइंट वाइज कर दीजिए, और मैं यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, जितना भी ये सब मेन है। अब इसमें से भी आप अगर काट दोगे एग्जाम में तो फिर एग्जाम में आपका नंबर भी कट जाएगा, अब इतना तो आपको लिख के आना ही होगा, ठीक है, एग्जाम में। अब इसमें से मत कटौती कर देना कि यहाँ से यहाँ तक काट दें तो काम चल, नहीं है तब काम नहीं चलेगा, आपको इतना लिख के आना ही होगा कि, ठीक है। तो अब इसमें से आप बिल्कुल भी नहीं काटिएगा, जितना भी स्टेटमेंट है सबको कमेंट वाइज कर लीजिए और ध्यान से लर्न करेंगे तो हर एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है, कोई नया लॉजिक नहीं लगाना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस को अपने लैंग्वेज में क्रिएट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, जब स्पर्म मदर सेल से
स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनियम से, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम 2 और 3 टाइम डिवाइड करता है तो स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। जब स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्मेटोसाइट्स क्या आ, आ, क्या उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है एक स्पर्मेटोजोवा, ठीक है। स्पर्मेटोजोवा मतलब द मेच्योर स्पर्म सेल, मेच्योर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो ये लाइन आपकी मेन है, स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड इंटू 2 और 3 टाइम टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट विच गिव राइज टू स्पर्मेटोजोवा, ठीक है। द मेच्योर स्पर्म कंसिस्ट ऑफ ए राउंडेड हेड विथ ए न्यूक्लियस एंड ए लॉन्ग वेब्रेटाइल सेल, ठीक है। तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऊजेनेसिस क्या होता है, ऊजेनेसिस डिस्कस करते हैं। ऊजेनेसिस क्या होगा, एक मदर सेल्स और ओसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ओसाइट्स मत समझ लीजिए कहाँ से नया वर्ड आ गया, नया लॉजिक लगाने, ओसाइट्स, ठीक है। ओसाइट्स कुछ होता नहीं है, बस वही और करके लिखा है ना, तो और का मतलब क्या होता है, या मदर सेल्स कहो या ओसाइट्स कहो। आपको अगर ओसाइट याद करने में दिक्कत हो रही तो एक मदर सेल हर जगह लिखो, ई एम सी लिख दो बस, एक मदर सेल शॉर्ट फॉर्म में, एक मदर सेल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दो ई एम सी, ठीक है। एक मदर सेल और ओसाइट, ओसाइट इज डिराइव फ्रॉम ए लार्ज आर्कियोसाइट विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे डिराइव का मतलब उत्पन्न, ठीक है। डिराइव का मतलब हिंदी मीनिंग यहाँ पे होगी उत्पन्न, डिराइव का मतलब उत्पन्न, ठीक है। जो एक मदर सेल होता है वो उत्पन्न होता है फ्रॉम ए लार्ज आर्कियोसाइट विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, एक विशिष्ट न्यूक्लियस। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, एक विशिष्ट लंबे मतलब बड़े, एक विशिष्ट बड़े आर्कियोसाइट, ठीक है। एक एक विशिष्ट न्यूक्लियस बड़े आर्कियोसाइट्स के, आर्कियोसाइट से ये एक मदर सेल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आर्कियोसाइट्स फिर से आर्कियोसाइट है, वहां पे भी आर्कियोसाइट है, तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर में आर्कियोसाइट्स देख लीजिएगा, आर्कियोसाइट सेल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो आर्कियोसाइट सेल्स, लार्ज आर्कियोसाइट सेल्स यहाँ पे हो पाया जा रहा है, ठीक है। लार्ज आर्कियोसाइट सेल्स के थ्रू एक मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डिराइव अगर नया मीनिंग है आपके लिए, लर्न करने में दिक्कत दे रही है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओसाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए लार्ज आर्कियोसाइट विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट न्यूक्लियस, ठीक है। जो हमारा एक मदर सेल है वो एक विशिष्ट न्यूक्लियस बड़े आर्कियोसाइट से फॉर्म होता है, उसका जो एक मदर सेल का फॉर्मेशन होता है एक विशिष्ट बड़े आर्कियोसाइट से होता है, ठीक है। एक विशिष्ट न्यूक्लियस बड़े आर्कियोसाइट से, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट कवर हो गया कि ऊजनेसिस, ऊजनेसिस मतलब अंडाणु जनन, अंडाणु जनन में कैसे एक मदर सेल से ओवम का फॉर्मेशन होता है। एक लाइन में अगर हम डिफिनेशन इसकी समझना चाहें कि ऊजनेसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप और करके नीचे लिख भी सकते हैं कि व्हेन व्हेन एक मदर सेल फॉर्म ओवम, ठीक है। जब एक मदर सेल से ओवम का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो उसे हम ऊजनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस छोटा सा तो है नहीं, थोड़ा सा लंबा है, तो स्टेटमेंट भी आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, एक मदर सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ समझ में आया, कि एक विशिष्ट न्यूक्लियस लार्ज आर्कियोसाइट के थ्रू एक मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ओसाइट अगर आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही, तो यहाँ पे ई एम से लिख दीजिए, एक मदर सेल। ओसाइट मूव्स लाइक एन अमीबोसाइट एंड ग्रो बाई अनगल्फिंग अदर सेल्स, ठीक है। अनगल्फिंग अदर सेल्स विच मे बी अमीबोसाइट्स और स्पेशल नर्व सेल ट्रोफोसाइट्स, ठीक है। अब देखिए ये इतना लंबा स्टेटमेंट है, आप इसे कैसे लर्न करेंगे, कुछ नहीं है यार, बस स्टेटमेंट को तोड़ दो दो हिस्सों में, सब समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। ना समझ में आए तो ओसाइट को ई एम सी लिख दो यार, एक मदर सेल,
ठीक है, एक मदर सेल मूव्स लाइक एन अमीबोसाइट, ठीक है, ये मूव करता है, एक मदर सेल जो होता है वो मूव करता है लाइक ए अमीबोसाइट। अमीबोसाइट जो होते हैं, अमीबोसाइट सेल्स मैंने पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, अमीबोसाइट सेल जो होता है मूवेबल होता है, ठीक है, इसमें मूव करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो एक मदर सेल है उस साइड से ये मूव करता है लाइक अमीबोसाइट की तरह, अमीबोसाइट की तरह मूव करता है एंड ग्रो, और विकास करता है और विकसित होता है, ग्रो बाई अनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, निगलना, ठीक है, किसी चीज का भक्षण कर लेना, निगल लेना, ठीक है। अनगल्फिंग अदर सेल्स, अन्य सेल्स का अनगल्फिंग मतलब कि निगल के ये विकसित होता है। अब इसको हिंदी में बता दें नहीं तो और लोग कंफ्यूजन होगा कि क्या बता दिए इतना सारा लंबा सा, ठीक है। तो उस साइड एक मदर सेल्स किसकी तरह, अमीबोसाइट की तरह मूव करता है, एक मदर सेल अमीबोसाइट की तरह मूव करता है एंड, और इसका विकास दूसरे अन्य सेल्स को निगल कर होता है, अन्य सेल्स को खा के होता है। इसका विकास जो होता है वो साइड्स का, एक मदर सेल्स का विकास किस तरीके से होता है, ये अन्य सेल्स का भक्षण करके अपना विकास करती है, ठीक है, इतना समझ में आया। विच जो मे बी अमीबोसाइट, जो अमीबोसाइट हो सकता है, और स्पेशल नर्व सेल, जो सेल मतलब इसी वो साइड्स को बोला जा रहा है जो हो सकता है अमीबोसाइट, जिसे अमीबोसाइट कहा जा सकता है, और स्पेशल नर्व सेल और ट्रोफोसाइट सेल, ट्रोफोसाइट। तो यहाँ पे ऑप्शनल एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि ट्रोफोसाइट सेल्स किसे कहते हैं, तो ट्रोफोसाइट सेल सिंपल सा आ जाएगा, इसमें एक मदर सेल ईएमसी और ओसाइट सेल्स को ही ट्रोफोसाइट सेल्स कहेंगे, जो सेल दूसरे सेल्स का भक्षण करते हैं, भक्षण करके अपना विकास करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, तो उन्हें हम ट्रोफोसाइट सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, विच में भी अमीबोसाइट, जो अमीबोसाइट हो सकते हैं, और स्पेशल नर्व सेल ट्रोफोसाइट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नर्व सेल, स्पेशल नर्व सेल क्या होता है, ट्रोफोसाइट। नर्व सेल का मतलब जो नर्व सेल है उसी को हम ट्रोफोसाइट सेल कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई अलग अलग वर्ड नहीं है कि नर्व सेल अलग होता है, ट्रोफोसाइट अलग होते हैं, ठीक है। नर्व सेल भी वही है, ट्रोफोसाइट भी वही, बस दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, मीनिंग अलग है, ठीक है। अब देखिए आगे, द ओसाइट्स अंडरगोज टू मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, मियोसिस, ठीक है, टू मियोसिस, यहाँ पे दो बार मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म द ओवम विच प्रोजेक्ट इन टू रेडियल कैनाल, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ओसाइट अंडरगो टू मैचुरेशन, ओसाइट मतलब जो एक मदर सेल्स है ये दो बार मियोसिस करती है। अब मियोसिस क्या होता है, इंटर में आप लोगों ने मियोसिस माइटोसिस पढ़ा होगा, सेल डिवीजन पढ़ा है, वहां पे मियोसिस माइटोसिस का मतलब तो आपने पढ़ा ही होगा। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, देखिए माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस में अगर क्रोमोजोम की नंबर 46 है, ये यहाँ पे अगर 46 है, एक सेल है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर 46 है, यहाँ पे अगर हम माइटोसिस कराएंगे, माइटोसिस मियोसिस नहीं, माइटोसिस, माइटोसिस कराएंगे तो क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन में समसूत्री विभाजन, माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पे समान रूप से विभाजित होंगे, जैसे ये सेल अगर डिवाइड करेगा तो अपने ही जैसे दो सेल का न्यू फॉर्मेशन का, मतलब कि इसमें आधा आधा नहीं होगा, ये अगर 46 है इसमें, इसके अंदर 46 क्रोमोजोम है, तो ये 46 क्रोमोजोम वाला ही नया सेल का फॉर्मेशन करेगा, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। माइटोसिस में ये प्रोसेस होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा और दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 रहेंगे, तो ये माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। अब मियोसिस का मतलब क्या होता है, विषम सूत्री विभाजन, ठीक है, हिंदी बता दे रहे हैं, मियोसिस मतलब विषम सूत्री विभाजन, ठीक है। अब देखिए जैसे मियोसिस जब होगा, अगर मियोसिस होगा यहाँ पे, तो मियोसिस में क्या हो जाएगा हमारा, ये जैसे एक सेल है 46 क्रोमोजोम है इसमें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम मियोसिस कराएंगे, ठीक है, मियोसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 46 का आधा कितना होगा, 46 का आधा 23, ठीक है, तो 23 सेल का, 23 क्रोमोसोम वाले टू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ठीक है। तो मियोसिस होगा यहाँ पे, मियोसिस जब होगा
तो अगर इसके क्रोमोसोम नंबर 46 है तो वो दो आधा आधा बढ़ जाएगा, तेईस तेईस में बढ़ जाएगा। तो ये होगा मियोसिस। ठीक है, समझ में आया मियोसिस क्या है? ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस आपको क्लियर हो गया, एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया। ठीक है, जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो इसका पूरा एक ब्रॉड टॉपिक ही है, माइटोसिस एंड मियोसिस पूरा कवर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर अभी कंफ्यूजन है तो एक बार एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए इंटर की। ठीक है, क्योंकि अब इतना नीचे जाएंगे तो फिर आप लोगों का ये बीएससी का सिलेबस भी कवर होने में टाइम लगेगा। फिर भी मैंने बता दिया कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। आई होप कि आपको इतना इतने में समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया उजनेसिस, उजनेसिस खत्म, स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म और इंट्रोडक्शन खत्म। अब आपका बच रहा है फर्टिलाइजेशन, जो कि हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ओजेनेसिस मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। ओजेनेसिस क्या होता है? ओजेनेसिस जो होता है मतलब ईएमसी, एक मदर सेल से जब ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम ओजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने नहीं बताया, विच प्रोजेक्ट इनटू रेडियल कैनाल। प्रोजेक्ट का मतलब अंदर चला जाता है, ठीक है, रेडियल कैनाल के अंदर चला जाता है, और ये तब कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। जो ओवम होता है ये स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल होता है, रेडी होता है। ठीक है, जब ये रेडियल कैनाल में चला जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका ओजेनेसिस। ओजेनेसिस मतलब ये क्या होगा, एक मदर सेल से जब ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम ओजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें जो एक मदर सेल से होता है, किस तरीके से ये अपना ग्रोथ करता है, अनगल्फिंग करके अदर सेल्स का भक्षण करके अपना विकास करता है। ठीक है, और फिर ये जो होता है दो बार मियोसिस करता है, तब जाके ओवम को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये ओवम फिर उसके बाद प्रोजेक्ट इनटू रेडियल कैनाल में चला जाता है। तो इसमें ये दो लाइन मेन है। क्या मेन है? कि ईएमसी मतलब एक मदर सेल और ओसाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है? लार्ज आर्कियोसाइट के थ्रू, जो विशिष्ट न्यूक्लियस इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, और ओसाइट जो होता है ये मूव करता है अमीबोसाइट्स के थ्रू, और ये अपना ग्रोथ कैसे करता है? अनगल्फिंग के थ्रू। अनगल्फिंग मतलब निगल लेता है दूसरों से, अन्य सेल्स को ये खा जाता है, उनका भक्षण कर लेता है। ठीक है, जिसे हम नर्स सेल और ट्रोफोसाइट सेल कहते हैं, साइट सेल कहते हैं, नर्स सेल और ट्रोफोसाइट सेल कहते हैं। अब ये जो ओसाइट्स है, ओसाइट दो से तीन बार, दो बार तीन बार नहीं, दो बार क्या करते हैं? मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन मतलब मियोसिस करता है, मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म, दो बार मियोसिस करेगा तब जाके ओवम का फॉर्मेशन करेगा, फिर उसके बाद ओवम रेडी हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपके इंट्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस खत्म हो गए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में देखिए, आपका स्पर्म एंड ओवम दोनों का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमने पढ़ लिया और ओजेनेसिस भी पढ़ लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया और ओजेनेसिस में ओवम का फॉर्मेशन हो गया। अब ये दोनों जब आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा कुछ नहीं डिफाइन करना है कि ये आपस में कैसे फ्यूज होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या है। चलिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछ लेता हूँ। देखिए, सभी बच्चे छुट्टी के दिन तो घर पे गए ही होंगे। ठीक है, तो दीपावली के दिन कमेंट करके बताइए कौन कौन, मतलब रात के समय पे, रात में कौन कौन पढ़ाई किया था, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ये चीज़ हम लोग हमेशा मजाक में ले लेते हैं, लेकिन कभी लेना नहीं चाहिए, ये रियलिटी है कि हमें मतलब कि हर मतलब कोई भी अधिकतर तो वैसे मेनली दीपावली के दिन हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अब आप हमसे पूछेंगे कि हमने क्या मतलब पढ़ाई की थी कि नहीं, तो मैं रियलिटी बताऊँ, मैं 1 घंटे पढ़ा था बस, उसके बाद सो गया था। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया था उसके 2 दिन पहले, बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए मेरे को उस दिन नींद आने लगी थी। ठीक है, नहीं तो मैं रात को जागता था, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो आप लोगों ने कितना देर पढ़ा था कमेंट करके बताइएगा,
वैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये रियलिटी है कि दीपावली के दिन हम लोगों को पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है, और पूजा वूजा करके अपना आराम से बैठ के पढ़ना चाहिए, फिर तो उसके बाद जो भी करना हो, सब लोग पढ़ा के तो फोड़ते ही हैं, तो आप लोग भी बिजी हो गए, कुछ लोग तो शुरू जैसे ही रात होती वैसे ही शुरू है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो हमेशा आप लोगों को सिंसियर की तरह आप बिहेव करना होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि हमेशा छोटे बन के रहना सही नहीं है, तो अपने अंदर सिंसियरिटी लाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इंसान को छोटी छोटी चीज़ें ही महान बनाती हैं, ठीक है, आप जो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर अच्छे से उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लाइफ में, ठीक है, सब कहते हैं कि हम बड़ा करेंगे और बड़े चीज़ पे ही फोकस करेंगे तो हमारा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उस बड़े चीज़ को फोकस करने के लिए उस बड़े चीज़ के पीछे एकदम छोटी चीज़ क्या है उसको भी आपको ध्यान में देनी पड़ेगी, उसे जब ध्यान में देंगे उसे भी अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे तब आप उस बड़े काम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको छोटी चीज़ को आपको अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है, तभी आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, चलिए देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन अगर, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, एज ए रूल द स्पर्म इमीडिएटली का मतलब ठीक तुरंत, एज ए रूल, ठीक है, एज ए रूल द स्पर्म इमीडिएटली इंटर्स द नर्स सेल और एडजेसेंट गोनोसाइट, ठीक है, एडजेसेंट गोनोसाइट जो स्पर्म होता है, ठीक है, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म से तुरंत ठीक अंदर चला जाता है, कहाँ इंटर कर जाता है, नर्स सेल में या तो एडजेसेंट गोनोसाइट, गोनोसाइट में जो कि फ्लैजेलेट है वहां इंटर कर जाता है, ठीक है, नर्स सेल में इंटर करता है या तो गोनोसाइट में इंटर कर जाता है, ठीक है, विच बिकम अमीबोसाइट, जो अमीबोसाइट होते हैं, जहाँ अमीबोसाइट होते हैं, ठीक है, एंड फ्यूज विथ ओवम, और ये फ्यूज कर जाता है, जो स्पर्म है हमारा इंटर कर जाएगा नर सेल में या गोनोसाइट में, ठीक है, ठीक है, तो वहां पे ओवम प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, वहां पे ओवम प्रेजेंट होगा तभी तो स्पर्म इंटर करेगा, स्पर्म ऐसे हर जगह थोड़ी इंटर कर जाएगा, जहाँ ओवम प्रेजेंट रहेगा वहीं पे स्पर्म इंटर करेगा, ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करने का, तो स्पर्म जो होगा नर सेल में या तो गोनोसाइट्स में इंटर करेगा जहाँ पे ओवम प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड फ्यूज विथ ओवम, और ये फ्यूज करता है ओवम के साथ, ओवम लिब्रेटिंग, लिब्रेटिंग मतलब आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, एकदम से उसमें एक दूसरे से लिब्रेट कर जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, ठीक है, द ओवम लिबरेटिंग द ओवम मतलब ओवम से लिबरेट कर देते हैं, द न्यूक्लियाई ऑफ ओवम एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म जायगोट, क्या ओवम का न्यूक्लियस एंड स्पर्म का न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जब ओवम मेल का न्यूक्लियाई एंड फीमेल का न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो ये रहा आपका फर्टिलाइजेशन, अब इसका जो फिगर है, फिगर आरएल कोटपाल की जिन लोगों जितने भी बच्चों के पास बुक है तो उसमें फिगर दिया हुआ है, फिगर ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, तो फिगर मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है, अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा इसका फिगर भी, ठीक है, तो आपका ये जो थ्योरी पोर्शन है सारा कवर हो गया, क्या क्या कवर हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि साइकॉन में कैसे होता है वो कवर हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, ये तीन टॉपिक आपके कवर हो गए थे, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, साइकॉन में कैसे होता है, वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर में ये जो साइकॉन का रिप्रोडक्शन है ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ओजेनेसिस है ये जरूर पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में, ठीक है, तो कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा नहीं है, मैंने भी एनालिसिस किया है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पूछा गया है, अब एग्जामिनर भाई नए नए आ गए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उनका कभी भी मूड सनक सकता है, तो वो कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको तैयार अपने आप को हर तरीके से करना है, फिर चाहे सामने कुछ भी आए तो आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो
तो ये नहीं कि थोड़ा बहुत तैयार करके गए कुछ और दे दिए, अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं थे तो कैसे करें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे पेपर में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ के जाएंगे तो फिर पास होने भर का नंबर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपका हो गया फर्टिलाइजेशन खत्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन खत्म हो गया। आई होप कि ये लेक्चर आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम उसके ऊपर फिर से न्यू लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका यहाँ पे खत्म होता है और उसके साथ ये एक टॉपिक भी खत्म होता है। अगर वीडियो समझ में आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।